संक्षेप विच अर्ज करा, धर्म ने मन नू नहीं छोया, सिर्फ तन दी किरिया ते रुकिया होया, तो तन सख्त है, हड्डियां सख्त ने, इस तरह ही ओ मनुख धार्मिक तल ते सख्त होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। धर्म मन नू छूवे, मन कोमल हो जाएगा। धर्म अत्यंत कोमल है, कोमल बंधन बांधे है, मन नू छूवे। इस वास्ते धर्म मन दी साधन है। रसना वाहिगुरु बोले ते मन सुने, इनू जप कहिंदे ने, इस नाल मन बदल जांदा है। मन सुनदा क्यों नहीं, कहिंदे ना मन ते भटकदा है, किथे भटकदा है? मन जमीन ते नहीं भटकदा, जमीन ते भटक भी नहीं सकदा, क्योंकि आकार नहीं है। मन समय दे च भटकदा है, वक्त दे च भटकदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, वक्त नू समय नू विद्वाना ने तीन हिस्सों च वंडिया है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, भूत, भविष्य, वर्तमान। आप इतने सारे बैठे हो ना, या तो मन चला जाएगा गुजरे हुए समय दियां यादां च, या मन चला जाएगा आने वाले समय दी चिंता च। होर किथे जांदा है मन? होर तो किधरे भी नहीं जांदा। मन नहीं जुड़दा पिया बाणी च, क्यों नहीं जुड़दा पिया? या तो गुजरे हुए समय दियां यादां चलिया गया है, या आने वाले समय दी चिंता। यादां दे च की आउंदा है? दुख ते सुख। कोई मिलिया सी सुख, वो अपना अक्स छड़ गया सी, याद आउंदा है। कोई मिलिया सी दुख, छड़ गया जख्म, याद आउंदा है। दुख सुख याद आउंदे ने, होर की याद आउंदा है? जद कोई मनुख यादां दे च बैठा होवे, बस इक्को ही गल है, या दुखां नू याद कर रहा होवेगा या सुखां नू, होर की याद करदा है? दुख सुख करत जन्म फनम हुआ। गुजरे हुए समय च मन क्यों जाता है, भूतकाल दे च क्यों जाता है? गुजरे हुए समय नू संस्कृत दे च कहिंदे ने भूतकाल। भूतकाल समा जो लंघ गया। इस वास्ते कहिंदे ने मनुख हो के जिसकी सोचनी मनुखता तो थले होवे, पिछे होवे, उन्हूं कहिंदे ने पशु, क्योंकि पशु मनुख तो पिछे ने। इतने भूतकाल नाल जुड़दा पे, ये मनुख होंदे होया पशु है। एक चिट्ठी मेरे को आई, मैं किधरे तीन दफा पढ़ी, शीशगंज साहब की गल है। नाल दे मैनु साथी कहन लगे, गैने जी इस तरह नहीं देखिया थानू, तुसीं ते चिट्ठी का पाठ करन लग पे, तीजी दफा पढ़ रहे, किहदी है चिट्ठी? मैं कह एक भूत की आई है चिट्ठी, इस वास्ते पढ़ रहे हैं भूत दी। मैं कह दे ते लिखे है एक्स एम पी, किसी वक्त होवेगा एम पी, अज नहीं है, एक्स एम पी। लोग लिखते हैं अपने लैटर है पैड ते, एक्स एम पी, एक्स मिनिस्टर। भाई हद हो गई, तू हुण की है, छड़ तू भूतकाल नाल जुड़िया है। जिहड़ा भूतकाल नाल जुड़िया होवे उन्हूं भूत कहिंदे ने, होर की आउंदा भूत? भाई साहब भाई वीर सिंह जी का बड़ा भारी एक बोल, बड़ा कीमती बोल, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे, जो समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही, जो समा आउण वाला है ओदी चिंता मैनूं जलाई जा रही है। जद भी मनुख बैठा होवे घर दे च, बाजार दे च, दुकान दे च, गुरुद्वारे, या ते मन गुजरे हुए समय दियां यादां चाहुंदा है, या आने वाले समय दी चिंता चाहुंदा है, किथे सुरत शब्द नाल जुड़दी है? नहीं जुड़दी। जुड़ जाए मनुख समाधि लीन हो जाएगा, जुड़ जाए जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। अठ घंटे पाठ करे मैनूं उम्मीद नहीं एक मिनट भी मन सुने, नहीं सुनदा, नहीं सुनदा। मैं ये अपना अनुभव थोड़े सामने रखना, क्योंकि मैं 45 साल हो गए न कथा करते, इस धार्मिक लैन दे विचरदे। किधरे करोड़ों च एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दिखाई दी, तो की है? कुछ भी नहीं है। एक माली हजार बूटे लावे
तो सिर्फ एक बूटे नो फुल ते फल लगन बाकी सारे ही सुख सड़ जान ए माली दी करामात नहीं है। शायद माली दी नजरां चो बच गया होवेगा तां ये हरा भरा रह गया। कोई एक कद जुड़ी हुई आत्मा जे मिलती है तो मैं अर्ज करा ना रागियां करके ना प्रचारकां करके ना ब्राह्मणां करके ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां करके वो कोई उसके पूर्वले संस्कार नहीं ते खेड बन गई सिलसिला बन गया। 999 दरखत ते सड़के रह गए कुछ भी नहीं है। इको ही नू फुल ते फल लगे ने दावा अगन बहुत तृण जा रहे कोई हरियो बूट रहे हो। महाराज कहते मनुखता दे चमन दे कोई एक अद बूटा हरा भरा दिखाई देंदा बाकी ते सब सड़ गए गल गए कुछ भी नहीं। तो ये कोई करामात वाली गल नहीं है। मन नहीं सुनता मन कतई नहीं सुनता। मन किथे जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां च क्यों जाता है कुछ मिले सन सुख अपना अक्स छड़ गए ने याद आउंदे ने कुछ मिले सन दुख दुख की है जो मिले होया सुख सी चला गया कुछ मिले सन दुख चोट पहुंचा गए जख्म कर गए याद आउंदे ने। जद मनुख यादां दे च बैठा होवे या दुख नू याद कर रहे है सुख नू चिंता भविष्य दी आने वाले समय दी क्यों भविष्य विच सुख मिले दुख ना मिले जो मिले होया है ये बिछड़े ना जो कोल है जाए ना इदी चिंता है। मन किथे चला जांदा है गुजरे हुए कल दिच आने वाले कल दिच ये भटकदा है भूतकाल दिच ये भटकदा है भविष्य दिच मन समय दे च भटकदा है। तन नू समा खा जाएगा क्यों समय दा हिस्सा है ते समय नू संस्कृत दे च कहिंदे ने काल काल खा जाएगा शरीर नू काल अवतारां दे शरीर नू खा जांदा है पैगंबरां दे शरीर नू खा जांदा है। काल पाए ब्रह्मा बबदरा काल पाए शिवजी अवतारा काल पाए कर बिसन प्रगासा सकल काल का किया तमाशा अखां नाल जो दिखाई दे रहा सब समय दा तमाशा है। समा खा जाएगा जो कुछ भी है समा सब नू मिटा देगा काल सब नू मिटा देगा पर काल मन नू नहीं मिटा सकता। काल दे च मन भटक सकता है समय दे च मन भटक सकता है समा मन नू मिटा नहीं सकता। अगर मिटा सके तो फिर अगला जन्म भी नहीं हो सकता। मन दूसरा जन्म धारण कर लेंदा होर चोला धारण कर लेंदा होर शरीर धारण कर लेंदा। तन काल दा हिस्सा है मन अकाल दा हिस्सा है पर बदकिस्मती मन काल दे च भटकता है। किड़े काल दे च भटकता है काल समा किड़े समय च भटकता है गुजरे हुए समय दिया यादा आने वाले समय दी चिंता। वर्तमान दो समय दे मद दे च जिहड़ा समय उन्हों वर्तमान कहिंदे ने वर्तमान हुण इस वक्त वर्तमान। भाई गुरदास कहिंदे ने वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाणा। ध्यान नाल सुनना वर्तमान नू ईरानी हाल कहिंदे ने माजी हाल मुस्तकबिल हाल ते जिहड़ा हाल दे च ना होवे ई बेहाल अस्त ई बेहाल है बेहाल है हाल दे च नहीं है ये वर्तमान दे च नहीं है ये हाल दे च नहीं है ई बेहाल अस्त। असी जो एक दूजे तो पुछदे आ ना भाई तेरा की हाल है तेरा की हाल है दरअसल अर्थ खो गए ने असली गल खो गई है। तू वर्तमान दे च है कि नहीं कि माजी दियां यादां च उलझे होया है कि भविष्य दी चिंता च फसे आया है। तू हाल दे च है कि नहीं वर्तमान दे च है कि नहीं। भाई साहब भाई वीर सिंह संत कवि ने अपने मन की हालत बयान कर देना। सतवादी रब दे मार्ग दे चलन वाले च दो खूबियां आउंदियां ने एक तो सच्चाई कबूल करन लग पैंदा है ते सच्चाई की आउंदी है कीते होए औगण चल रहे औगण कबूल करता है संत कबूल करता है। कबीर सबते हम बुरे हम तज भलो सब को
एक बुराई भी पहाड़ वर्गी दिखाई देती अभ्यासी मनुख नूं अपने संसारी उसनों कहिंदे जो अपने नूं ते देखदा नहीं बस दूजियां नूं देखदा है कबरां दे चमुरदे कढ़दा है दूजियां दी सत पीढ़ियां बंड के रख देगा अपने आप नूं ते देखदा ही नहीं। बहादुर शाह जफर दा एक बड़ा कीमती शेर है वो कहिंदे जब न थी अपने गुनाहों की खबर देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा हो वो कितना ही आलम फैजो जका जिसे ऐश में याद खुदा ना रही जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहिंदा उसनों मनुख कहण दी लोड़ की है सुख दे खुदा नूं भुल गया दुख दे खुदा नूं भुल गया इनू मनुख कहण दी की लोड़ है इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखरी मुगल बादशाह सी आखरी जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे चोई अंग्रेजा ने पकड़ के इसनों रंगून दी जेल दे बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहिंदे ने इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी ये अंतरमुखी हुंदा जा रहे असी बाहरों संबंध टुटदे जा रहे सन इहदी हार दा कारण भी यही नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी बड़ी सल्तनत सी बड़ा बड़ी सेना सी बड़ी फौज सी बड़ा कुछ कर सकदा सी पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहिंदे साफ कह रहे जब न थी अपने गुनाहों की खबर देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा हो कितना ही आलम फैजो जका जिसे ऐश में याद खुदा ना रही जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ए इंसान से महापुरुषों की खूबी है एक कमजोरियां कबूल कर देने अपनिया कमजोरियां कबूल कर देने मन देने दूसरा अपने आप को छुपा देने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह ये बड़े कीमती बोल ने भाई वीर सिंह दे मेरे छुपे रहने दी चाह मैं तो छुप जाना चाहना। जब बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है फल बनता है मैं तो छुप जाना चाहना मैं तो मिट जाना चाहना। मिटन दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है कोई रब दा प्यारा है कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है एकाग्रता बख्शने मेरे छुपे रहण दी चाह। मन भटक रहा है संत कवि कहिंदा समय च भटक रहा है वक्त दे च भटक रहा है बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जिहा एकाग्रता बख्शने। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे च काफ़ी रुबाइयां लिखिया ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नू जद मैं पढ़िया बीत गई दी याद पई हड्डा नू खावे आन वाले दा सहम पिया मन नू तड़फावे दो रुबाइयां उदों मैं लिखियां एक पंजाबी दी एक उर्दू दी थोड़े सामने रखदे हां। कुछ माजी की खाक हूं कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं कुछ माजी की खाक हूं कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं हाल वर्तमान हूं इस वक्त। इसनों मैं पंजाबी रूप इंज दिता माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां
जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नू मिला ते अजे ही मिलना अज वर्तमान हूँ वर्तमान। भाई गुरदास कहिंदे ने वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाणा। किथे मन भटकदा कदी किसे कोल ना पुछना। जे इतनी गल हुण अज सुन लईए, जणा खणा पाठ करदा है, गुरुद्वारे आंदा है, नाम जपदा है, थां थां ते यही पुछना की करिए, मन नहीं भटक, मन भटकदा है, मन नहीं लगदा। पर सवाल है मन किथे भटकदा है। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दीआं यादां दे, मन चला जाता है आने वाले समय की चिंता च। इनू पहले लियाना है वर्तमान। कहिंदे ने भगवान का दर है कि वर्तमान। भारत दे ऋषि इंज कहिंदे ने, वर्तमान भगवान का दरवाजा है। दरवाजे तक पहुंच जाओ, बाकी भगवान ने आपे खिंच के ले जाना है अपने घर। दर तक ते पहुंचो, वर्तमान तक ते पहुंचो, हाल तक ते पहुंचो। वर्तमान विच वर्तदा होवन हार सोई परवाणा। भाई गुरदास कहिंदे ने वर्तमान विच ओ पहुंच जांदा है कौन? एक ते होन हार उसनू कबूल है, परवान है, दूसरा जप कर रहा है। वर्तमान विच लियाण दा साधन जप है। हुण मैं अर्ज करा, भूतकाल ते बड़ा लंबा है, गुजरिया होया समा माजी ते बहुत लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है। ना भविष्य दा अंत, ना भूतकाल दा अंत, ना माजी नापिया तोलिया जा सकता है, ना मुस्तकबिल। वर्तमान कितना का है? जे तुसी पुछो वर्तमान कितना है, आज दा दिन कतई नहीं, गुरबाणी नहीं मनदी इस नूं। कोई भारत दा संत अज नूं वर्तमान नहीं मनदा, इनू हाल नहीं मनदा। इस चक्कर च ना पैना अज दा दिन वर्तमान है। तो फिर वर्तमान दी अवधि कितनी है, समा कितना का है? वर्तमान सिर्फ एकदम है, बस एकदम। यह जड़ा एकदम है ना, बस यही वर्तमान। जिड़ा दम मेरे मुंह चो निकल गया, मेरे हाथ दे च नहीं है, वो चला गया। ते जेड़ा दम अजे आया नहीं मेरे मुंह च, वह भी मेरे हाथ च नहीं है। मेरे हाथ च की है? जेड़ा दम मेरे मुंह च है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना, बस इसे एक दम नो जिधर चाहिए वर्त लईए। तरक खड़ी होवेगी फिर एक दम नाल की आउंदा? कुछ भी नहीं। एक दम नाल कोई लंबी वाट नहीं तय आउंदी। एक दम नाल कोई वड्डा लंबा चौड़ा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम देच कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं कीता जा सकता। एक दम देच कोई लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल कीती जा सकती। तो एक दम जन्म साखी दी कथा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मरदाने नू कहिंदे ने, पुरखा दसेंगा तेनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर देखना चाहते सन ये दो जड़े मेरे नाल रहिंदे ने अध्यात्मक तल ते कित्थे तक पहुंचे ने। और गजब की गल है, जब कोई पुछदा सी ये दो कौन ने थोड़े नाल, चेले ने? महाराज कहिंदे नहीं, मेरे चेले नहीं ने, खादम ने, नौकर ने? नहीं, खादम भी नहीं ने। फिर कौन ने? मेरे भाई ने, भाई मरदाना, भाई बाला। हरिद्वार दे ब्राह्मण हैरान हो गए कि हिंदू एक मुसलमान है, दोवें थोड़े भाई किस तरह हो गए? साहब कहिंदे असीं विचकार बैठ जाइए तो दोवें भाई ने। महान है वह मनुख जिहदे बैठण नाल भाईचारे का जन्म होवे, जिहदे बैठण नाल भाईचारा टुटदा होवे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहब कहिंदे असीं विचकार बैठ जाइए, फिर हिंदू मुसलम भाई ने, ये दोवें मेरे भाई ने। सतगुर भाई साहब करके बुलाते सन। उस दिन तो गुरु घर के सब तो वड्डी पदवी बन गई भाई साहब। पंज प्यारियां नाल भाई साहब ने, भाई गुरदास, भाई मनी सिंह, आदो कि इन्नियां अजीम हस्तियां नूं असीं भाई साहब करके बुलाने। गुरु का भरा हो जाना कोई थोड़ी गल है, गुरु का भरा। मरदानिया दस, तेनू अपने दमां का किन्ना क भरोसा है?
महाराज थोड़ी संगत करद्या करद्या हुण बहुत भरोसा नहीं रहा, यह जन्म साखी की कथा है। मरद्या मरद्या दम निकलद्या निकलद्या महाराज सौ दम ते लई लवांगे, बस इन्ना ही है, सौ दमां दा भरोसा, ज्यादा नहीं। सतगुर कहिंदे बालिया तू दस तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। बाला कहण लगा महाराज मरदाने नू सौ दमां दा भरोसा होवेगा, मैनू नहीं है। मरद्या मरद्या मैं तो यही सोचदा बड़ी मुश्किल नाल दस दमां ते विश्वास कर सकदा, दस दम। तो दोवें हथ जोड़ के कहण लगे महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा। इनू हिंदी ते संस्कृत साहित दी दुनिया च कहिंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार, उठ दी पिठ दे चों लक्कड़ कढ़ के उठ नू चलाना, उष्ट लष्ट का अलंकार। जेदा सवाल सी ये सवाल उसे ते ही कर देना, सवाल ते गुरु नानक दा सी, ते गुरु नानक दा ही सवाल दोहां ने गुरु नानक ते कर दिता। महाराज थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। सतगुर कहिंदे ने मरदाने तैनू सौ दमां दा भरोसा है, बालिया तैनू दस दमां दा भरोसा है। हम आदमी हाँ एक दमे मौलत मौत न जाना, ये पंक्ति है। मैनू एको ही दम दा भरोसा है जिहड़े मेरे मूँह च है, जिहड़ा चला गया मेरे हथ च नहीं, तो जिहड़ा आण वाला है आउंदा है कि नहीं आउंदा उहदा की पता। जिहड़ा दम मेरे मूँह च है बस ये नकदी है, इसनू वर्तमान कहिंदे। इस चक्कर च ना पैना अज दा सारा दिन वर्तमान है, कथा ही नहीं, एकदम वर्तमान है। तो हुण तर्क खड़ी होवेगी एकदम नाल की हुंदा है। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दिच उचारण हो जांदे ने, वाहेगुरु एको ही दम चाहीदा है, ओम एकदम चाहीदा है, राम एकदम चाहीदा है, अल्लाहो एको ही दम। जितने महामंत्र ने जप दे वो एक दम विच उचारण हो जाते हैं। तो जिंदगी एक दम दी है, तो तर्क खड़ा होए एक दफा फिर वाहेगुरु आखण नाल की आउंदा। एक दम नू संस्कृत विच एक क्षण कहिंदे ने, क्षण एक छिन्न, एक चित जाए एक छिन्न ध्यायो काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक दम दे जिहड़ा भी आ गया जिसने ध्यान जोड़ लिया वो जन्मां जन्मांतरां दे दुख संताप पाप तो बच गया। एक छिन हजारां जन्मां करोड़ां जन्मां दे पापां नूं धोण वास्ते करोड़ जन्म नहीं चाहिए, एक छिन चाहिए, एक सैकंड। किसी कमरे देच 50 साल का अंधेरा होवे खुलिया ही ना होवे, ते 50 साल के अंधेरे नूं कढ़न वास्ते 50 साल चाहिए, एक क्षण चाहिए, बत्ती जला हो गया। अनंत जन्मां दे दुख ते पाप मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए, इस चक्कर च ना पैना, बड़ी भारी निराशा पैदा हो जाती है। एक क्षण चाहिए, एक चित जाए एक छिन दिहायो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे निमक। एक सैकंड गुरु अर्जन देव जी, एक छिन एक सैकंड। हुण दूसरा नुक्ता सुन लेना, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिया एक पाप भी नहीं दुलेगा, बर्दाश्त करना। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिया एक दुख भी नहीं मिटेगा और नहीं मिटते। वाहेगुरु वाहेगुरु भी करी जाने, रोंदे पिटदे भी पैन, कुछ भी नहीं है। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिया एक दुख भी नहीं मिटेगा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदिया एक पाप भी नहीं मिटेगा, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा पाप मिट जाएंगे। ये दूसरा नुकता, एक दफा वाहेगुरु आखदिया करोड़ा दुख मिट जाएंगे,
करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। एक दफा वाहेगुरु आखना बहुत औखा है, बहुत औखा है। वो एक दफा वाहेगुरु आखना की है, गाविए सुनिए, जबान गायन करे मन सुने, ये दोवें एक हो जाए, शब्द ते सुरत एक हो जाए, कठिन है। इसे नु मेरे पातशाह ने कहा, आखण औखा साचा नाव। तो गुरु नानक देव जी महाराज नु कह दिए, तुसी औखा कहते, मैं हुणे 10 दफा कह देना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, आप कहते औखा। एक ही औखा है, नहीं औखा है। जबान उचारण करे ते मन सुने, इसे नु कह रहे ने मेरे पक्ष, कठिन है। भगत कबीर कहते ने, वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजर हजूर खुदाए। एक दम देच किधरे टिक जाओ, खुदा होने ही हाजर, तुसी खुदा दे रूप हो जाओगे। भगत कबीर, लबा लब्बे कुन दम ब दम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। भाई साहब भाई नंदलाल, दम एक प्याला है, इनू भर खुदा दे नाम नाल। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਭਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਵਾ ਲੱਭੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬ ਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮ ਓਸ਼ਕੁਨ। ਜੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕਦਮ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ, ਭਵਿਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ 12 ਸਾਲ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ। ਕਿਆ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਚੱਬਣ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਦੰਦ ਲਾ ਦੇਣ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੱਤੂ ਗੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਚੇ ਕੁਛ ਇਨਾਨ, ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਬੁੱਖ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੰਗ ਮੰਗਿਆਣਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਵਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗੇ, ਉਂਝ ਰੁੱਖੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਵਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਵਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਮੰਗਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਕੁੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ,
ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਠ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਪ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਖਪਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਛਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਛਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਨੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕੁਝ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਭੋਗੇ ਹੋਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਚਿੰਤਾ। ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੈਬੀ ਨੇ, ਅਗੰਮੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਲੋਕ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਥ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ 'ਚ ਮੱਖੀ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਕੁਛ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ,
कबीर कहिंदे ना पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, किहड़े चक्करां च तू पिया, पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलेगी, किहड़े चक्करां च तू पिया। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होया किसी का नुकसान होवे पिया मेरा तो ना होवे, होइए किसी की बेइज्जती होवे पई कम से कम मेरी तो ना होवे। कोई असाध रोग असाध बीमारी चंबड़ीए किसी नूं, कम से कम मैनू तो ना चंबड़े, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता केड़ी गल थी, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा, जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा, तेरे लख करण दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा। तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना होवां, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी, बस एक ही उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना उन होणगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चिंता है हो ना जावे, ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता है मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नु गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत सो जाने, आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है, जो होवा हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होना है, तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान, जो कुछ होया है ये होनहार सी, होके रहना सी, हुण इसनू खिड़े मत्थे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलिया नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी, ये क्यों होया है? एक सूफी संत इसनू इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जाता है गुजरे हुए समय दियां यादां दे च, मन चला जाता है आन वाले समय दी चिंता च, इनू लिया वर्तमान दे च, ते वर्तमान किए एकदम एकदम, टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे चले आओ, इस मन नो भगवान हाजर नाजर है। ना किसे मंदिर चो मिलेगा, ना किसे गुरुद्वारे च, ना किसी मस्जिद च, ना किसे चर्च दे च, ना किसे तीरथ दे च, ना किसे होर पहाड़ दे चों गुफा दे चों। जद भी लभेगा ये नौ निद नाम, नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनों समझ आ गई गुरु नूं अंदरों प्रगट करना है। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरी नूं अंदरों प्रगट करना है, और जीवन नूं हरि मंदिर बनाना है। बारहों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है, जिथे जिथे हिंदू टैंपल होंदे ने दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, अंदर मूर्ति आउंदी है, मूर्ति अंदर आउंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना एक प्रतीक है कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नू ले जाण वास्ते धुन चाहिए है, धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे उन्हों बजांदे ने, फिर अंदर जांदे ने, मूर्ति दे दर्शन करदे ने, मूर्ति ते अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुक्ता निगाह ए रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूँह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे, और केड़ा घड़ियाल लटकाना,
ਆਈ ਗੜਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਓ ਦੇਵ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਘੜਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਅਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਤਨੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਗਰ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੰਘਣਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਾਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨੁੱਖ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
जद इस तरह लगातार कईयां ने मैनू कहा उत्थे आउंदिआं ते कुछ रस बनदा है तो मैं उन्होंने कहा मैं कि गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान एक ते इत्थे वकत दा अवतारी पुरश कुछ दिन रहा है इस मिट्टी दे अजे भी कुछ जिंदगी है। दूसरा 24 घंटे इत्थे बाणी दा पाठ चलदा ही है कीर्तन दे रूप च पाठां दे रूप च कथा दे रूप च और जिस वक्त सुखासन हो जांदा फिर सेवा दे रूप च और जप करदे होया सेवा करदे नौजवान वाहिगुरु की धुन अला परे आउंदे धुलाई करदे पे आउंदे रात दे कोई 1-1.5 बजे तक वह धुलाई करके फिर नवें सिरों विछाई आउंदी है ये सारा कम है सारी सेवा जप करदे आए करदे तुसीं देख सकदे हो कदी क्योंकि कलोनिया दे हाजरी भर के 10 अक्सर 12-1 बजे सीसगंज साहब पहुँचता मेरी रिहायश उत्थे आउंदी है तो मैं इन्हां नौजवानों नूं सेवा करदे आए देखदा हुंदा 24 घंटे जिथे वाहेगुरु का जप चल रहा है उत्थों की फिजा तो जिस गुरद्वारे किधरे घंटा अद्धा घंटा पाठ होंदा होगा किधर शाम नूं रहिराज साहब 15 मिनट किधर सवेरे हुक्मनामा कलोनिया के गुरद्वारे तो यही कुछ या सा दीवार का कीर्तन अद्धा घंटा पौना घंटा सारा दिन तो कुछ भी नहीं। मैं कहा उत्थे जिहड़ा तुहानूं रस आ जांदा है आनंद आ जांदा है उत्थों दीआं लहरां ने उत्थों का माहौल है इनू कहिंदे अस्थान भेद जगह दा असर सो अस्थान बताओ मीता जाके हर हर कीर्तन नीता जिथे दिन रात कीर्तन चलदा है मैनू जगह दसो क्योंकि वह जगह चार्ज हो गई होगी उस जगह शक्ति होगी वो जगह इतनी पावन हो गई होगी। मैं अर्ज करा जिथे बैठ के घर दे तुसी नाम जपो और रोज़ जपो सवेरे शाम जपो वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी कि दुष्ट तो दुष्ट बंदा भी उत्थे बैठा है उहदे मुँहों भी वाहिगुरु निकल जाएगा उस जगह का असर है इनू अस्थान भेद कहिंदे ने। सो अस्थान बताओ नीता जाके हर हर कीर्तन नीता कदी कदाई कीर्तन आउंदा है वह जगह ना दसो मैनू। गुरु अर्जन देव जी वो जगह दसो जिथे अठे पैर कीर्तन आउंदा है। सो अस्थान बताओ नीता जाके हर हर कीर्तन नीता नीता प्रति होंदा होवे मैं उत्थे बैठ के सुना क्योंकि वह जगह चार्ज होई होवेगी उस जगह का अपना असर होवेगा। हजारा मनुखां दा यह अनुभव है विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब इत्थे आउंदिआं सानूं सुकून मिले शांति मिली है भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे मंजी साहब दे भावें कथा हो रही सी साडी समझ तो परे पर इत्थे आके शांति मिलती है सुकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे हैं 24 घंटे कीर्तन हो रहे हैं। चलो समा तो हो गया पर एक मिनट मैं थोड़ा लवा। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी ग्वालियर की गल है तो ग्वालियर का जिहड़ा गुरद्वारा है उत्थों के महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी मस्जिद भी बनाई मंदिर भी बना के दिता गुरद्वारा भी फौज दे विच उदों सिख होंदे सन ये 3 अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने विचकार मंदिर है एक पासे मस्जिद है एक पासे गुरद्वारा है तिन्ने एको ही लाइन दे ने और तिन्ने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने और उन्हां दे कढ़ाई का कम बड़ा गजब दा है। उत्थे किधरे मैनू गल फुरी कला ते मैं बोल रहा सी कला हुनर नूं कहिंदे ने संगीत एक कला है कविता एक कला है चित्रकारी कला है नृत्यकारी कला है एक कला किन्नी तरह की है पुराने जमाने च अवतारा नूं नापदे सन इहदे च कला कितनी है जैसे कहिंदे ने श्री कृष्ण च 16 कला सन राम दे 14 कला सन राम नूं छोटा मनदे ने कृष्ण तो उन्हों संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते संपूर्ण अवतार कृष्ण मनते हैं। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नू जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला होए ठाकर चलिया परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं अनंत कला नहीं गिण सकते
उसे तो कोई कला लेके आ जाता है, 16 कोई 4 कोई 6, किसी नूं अंसा अवतार भी कहे, अंश मात्र कला है बथोड़ी, अंश मात्र कला। तो मैं बोल रहा सी जिहड़ियां कला आउंदियां ने। एक सियाणा सिंधी वीर मेरे को आया, कहन लगे नहीं जी थानू किले ते ले चलदे आं, थानू कला का एक नमूना दिखांदे आं, जीवदा जागदा, देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी एक कला की कथा सुन के प्रभावित होया, तो थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना। तुसी समां कढ़ो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, छेवें पातशाह का स्थान बने हुआ, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंदा, ते तुसी जद दसो किस वक्त कहिंदे हो मैं चलदा। कहने लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वह एक मैनू मंदिर च ले गए, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई दे, बड़ी बुलंद चोटी। उस मंदिर दे चले गया ते मैनू कहन लगे देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उते चित्रियां या तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नू दाद देनी पएगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वह मंदिर देखिया, मैनू कहन लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय। मैं कहा कला दा नमूना वाकई महान है, कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं कहा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहन लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हां, तुसी इस तरह का शब्द कहिंदे हो मंदिर बारे मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे को सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है बोलदा है, मुर्दे की यह पहचान आउंदी है लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठां पईआं करदियां ने, गंदगी इतनी है लगदा है साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दित्ती, कई सिलां पत्थर निकलदे पए ने, डेडेरी हो रहे ने, ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत, ये बोलदा ही नहीं मुर्दा है। सजाया होया संवारिया होया शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है, मनुख ना बोले शिंगारिया होया संवारिया होया कि मैंने रखता है, नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मंदिर मुर्दा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरी कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलदा है, वो है हरी मंदिर दरबार साहब 24 घंटे बोलदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है, पता है क्यों? जिंदगी नू खतरा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा, जलदे दीवे नू खतरा है, बुझे दीवे नू खतरा नहीं है, फुल्लां नू खतरा है, कंडियां नू खतरा नहीं आउंदा, जिंदगी नू खतरा आउंदा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा उहदे कोल जिंदगी, अगर की होया जे उहदे खतरियां च रहिंदा, इस चक्कर च ना पैणा, अबदाली ने गिराया। मसे रंगण ने उस अस्थान की बेइज्जती की, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इत्थे करो, क्यों? जिंदगी है, बोलदा है, जीवन है। डिठे सबे थाओ नहीं तुद जेव्या, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया, अंदाजन 12 महीने च दास, 1 महीना 5 दिन। हर साल उत्थे कथा करदा है, और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा कीती है, उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है।
और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलता है, 24 घंटे बोलता, उत्थे बड़ी जिंदगी है, उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहर, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दियां संगतां नूं मैं कहा जे थानू सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है, इत्थे किसे ने अपना ओ खून डोलिया जो अमृत सी, इत्थे ओ आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24 घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, जरूर रस आवेगा। जिहड़े कुछ थोड़े जिहे इस मिजाज दे बंदे ने उन्होंने ज्यादा रस आएगा। मैं उन्होंने कहा कीर्तनिया के कीर्तन का रस ना समझ लेना, उन्होंने कंठ का ते उन्होंने कला दे नहीं, ते कथा व्याख्या दलीलों का रस ना समझ लेना, यह गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है। इतों दियाँ मेहर, इतों दियाँ लहर ने, यह अस्थान वेद है, यह जगह दस है। इस वास्ते कहा गया जिमें जोड़े असी बाहर ला के आते हाँ, कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी, जिस जगह पर बैठ के जप करना है, तप करना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है। हर घर दे जिवें किचन आउंदा है, रसोई आउंदी है, भोजन बनाउंदे हैं शरीर लई, हर घर दे 2 फुट जगह ते कम से कम इतनी होवे, 4 फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहिगुरु मनुख जप सके, वो जगह चार्ज हो जाएगी, उस जगह दे बरकत पै जाएगी। उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा, उहदे मुँह आराम निकल जाएगा, वाहेगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना। बहुत सारा समा मैं थोड़ा ले गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन, जो कुछ आपने सरवण कीता है थोड़े हिरदे च वसे, जो मैं थानू सुनाया है मेरे हिरदे च वसे, थोड़ा सुनया होया कबूल होवे, मेरा सुनाया होया। सिर्फ 1 मिनट मैं लैंदा ये जप, भावें मेरा गला हुण थक गया है, पर मैं 5 दफा कहना, मैं पहले कहना है तुसी बाद। इस तरीके नाल रोज घट तो घट 15 मिनट करना है। अगों गुरु जितना करा ले वो फिर गुरु की मर्जी, पर कम से कम 15 मिनट का इरादा कर लो। तो मेरा अपना अनुभव है, रोटी खांदे लगदे तो 15 मिनट ने, सारा दिन तृप्ति बनी रहिंदी। ये 15 मिनट का जप थानू 24 घंटे मस्ती च रखेगा, सुरूर देच रखेगा, कल कलेश तो बचावेगा, चिंतावान तो बचावेगा, फिजूल दियां ठोकरां तो बचावेगा, मन दी भटकण तो बचावेगा। तो सिर्फ 5 दफा मैं कहना, क्योंकि गला मेरा खुश्क हो चलिया। मैं पहले उच्चारण करांगा, बाद देच तुसी, तो मैं अर्ज की थी जिमें घड़ियाल दी आवाज है ना, तो ना कर इस तरह करने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात। धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे, सारियां दियां झोलियां भरन, सारियां दी जिंदगी सफल होवे, सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा, सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद, बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। I'm